सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज वासुदेव तीर्थ की इस पावन धरा पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर अमरोहा जनपद की जनता जनार्दन की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री जसवंत सिंह सैनी जी, विधान परिषद सदस्य सरदार हरि सिंह भिल्लो जी, मान्य विधायक गण श्री महेंद्र खड़कवंशी जी, राजीव तरारा जी, हरेंद्र तेवतिया जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी हमारे पदाधिकारी गण और उपस्थित बहन और भाइयों, आज हमारा सौभाग्य है कि इस पावन धरा पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। कुछ ही देर में उनका यशस्वी मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है। नए भारत के शिल्पी के रूप में, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को लेकर के अहर्निश प्रयास कर रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हम सबको प्राप्त हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज न केवल दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, बल्कि 140 करोड़ का भारतवासी बड़े गौरव के साथ न केवल दुनिया में बल्कि देश के अंदर भी अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है। देश के अंदर जो परिवर्तन वर्तमान में देखने को मिला है, यह परिवर्तन नए भारत के शिल्पी के रूप में आज विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए लोकतंत्र के प्रथम चरण के मतदान के दिन अमरोहा वासियों को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर देश के अंदर जो परिवर्तन हम आज वर्तमान में देख रहे हैं, यह परिवर्तन अद्भुत है, अभूतपूर्व है, दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतने बड़े विशाल देश को जिस मजबूती के साथ पिछले 10 वर्ष में बदल करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, जिस मजबूती के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है, जिस मजबूती के साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तो क्या उसकी मिसाल है,
आपके सामने है। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष के लिए भी मोदी जी ने देशवासियों को आश्वस्त कर दिया कि इन सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान जिसकी आबादी मुश्किल से 23-24 करोड़ की है, 1947 में देश से विभाजन करके बना पाकिस्तान, भूभाग भी ज्यादा था, आबादी भी कम थी, आज वहां भूख के लाले पड़ रहे हैं। यह भी हम सबके सामने उदाहरण है कि एक तरफ बदहाल पाकिस्तान और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात, देश के अंदर एक नए भारत की उस तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है जो हमें विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल लीडर भारत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हुआ है, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का महापर्व है लोकतंत्र का ये पर्व। और बहनों और भाइयों, देश के अंदर जो आवाज है वह आवाज इसीलिए सुनाई दे रही है, हर ओर से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों ओर से आवाज है। और वह आवाज है कि फिर एक बार अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ भारतवासी विकसित भारत के इस महान शिल्पी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अमरोहा वासियों को की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण जनपद में आने पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।